नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। इन क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवश्यक सड़कों को चिन्हित भी किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल नेटवर्क की समस्या के समाधान के लिए भी कोशिश की जा रही है। इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने यूनिफाइड कमांड की बैठक की। बैठक में जिले के सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीआरपीएफ के कमांडेंट, अपर उपायुक्त एजाज अनवर, सिविल सर्जन, तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि आज की बैठक में वैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और उनको लेकर रूपरेखा पर चर्चा की गई, जहां लोगों की संख्या ज्यादा है। जिला प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ एक बेहतर सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, इससे इन क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार भी इन क्षेत्रों के विकास के प्रति गंभीर है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 9 महीने में विकास से संबंधित कार्यान्वयन लागू किया जाएगा। उद्देश्य यही था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो इंटीरियर एरिया है, वहाँ कम्युनिकेशन कैसे बढ़ा दें, ऐसे सड़क जिसकी आवश्यकता है जल्दी बनाने का, जिससे नक्सल समस्या को एक अच्छे ढंग से हम लोग दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से और विकास के साथ कैसे हम दोनों तरफ कैसे नक्सलवाद से लड़ेंगे, इसके बारे में एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना है। इस संबंध में आवश्यक रोड्स का भी आइडेंटिफाई करके सूचित किया गया है और कम्युनिकेशन लिंक्स भी और बनाने की आवश्यकता है। BSNL टावर्स, इसके बारे में भी सूची जो पूर्व में दिया गया है उसी को एक बार रिवाइज किया गया है। आवश्यकता के अनुसार और कुछ जगह भी आइडेंटिफाई किया गया है। विशेषकर अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो फोकस्ड एरियाज को यूनिफाइड कमांड ने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ कहाँ जो आज के दिन में ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन रहते हैं, वैसे सब एरियाओं में हम लोग विकास के साथ साथ वहाँ और भी आधारभूत संरचना में इम्प्रूवमेंट किस तरह का करना है, इसके बारे में एक डिटेल स्ट्रैटेजी बना है। और पुलिस प्रशासन और CRPF एक अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन भी विकास की गतिविधि भी उन सभी क्षेत्रों में जरूर बढ़ाएगा। इसी के बारे में एक अच्छा कन्वर्जेंस सभी डिपार्टमेंट के साथ हुआ है। आने वाले दिनों में, विशेषकर नेक्स्ट 6 से 9 मंथ्स में इसका पूरा रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा। राज्य सरकार भी काफ़ी इस बात पर गंभीर है कि इस क्षेत्र में, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ नक्सल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं या जहाँ उनको काफ़ी चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा दिया जा रहा है, तो वैसे पॉइंट्स पर विशेषकर प्रशासन भी ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं। इस बात के संबंध में एक रिपोर्ट भी राज्य सरकार भी मांगा है। नेहरू युवा केंद्र चैबासा की ओर से राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जिले के नवामुंडी, मझगांव, कुमारडुंगी, टोंटो और खुटपानी प्रखंड के विभिन्न गांवों में चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कर लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए पानी को लेकर होने वाली समस्या और पानी की बर्बादी को दर्शाने का प्रयास किया। युवाओं ने लोगों से पानी की बर्बादी को रोकने की अपील की। भविष्य में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए भूमिगत जल का स्तर बनाए रखने के लिए जल संरक्षण पर जोर दिया गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी क्षितिज ने कहा कि सभी लोगों को वर्षा जल का संचयन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। लोगों को जागरूक करने के लिए युवाओं द्वारा प्रखंडों में विभिन्न गाँव में दीवार लेखन और पोस्टर एवं पंपलेट चिपकाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जैतगढ़ में हुई लूट की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने आज घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने SDPO जगन्नाथपुर, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी से जानकारी ली और कई आवश्यक निर्देश दिए। लूट की घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो सके, इसके लिए हर एंगल से काम करने का निर्देश SP ने दिया है।
बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी छानबीन होगी। आसपास के सीसीटीवी कैमरा और तकनीकी सहयोग की मदद से कांड का उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जैतगढ़ के एक व्यापारी से 15 लाख रुपए लेकर बैंक लौट रहे ICICI बैंक के कर्मियों से अपराधियों ने पैसा लूट लिया था। बैंक कर्मी जैतगढ़ से पैसे लेकर चंपुआ लौट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आज सदर प्रखंड परिसर में धरना दिया गया। इस दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन झा ने झारखंड सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को करीब 14 रुपए रोजाना देने की घोषणा को उनके शिक्षा का अपमान और स्वाभिमान पर प्रहार करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार हर क्षेत्र में असफल साबित हुई है। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार ने कहा कि झारखंड के युवा जाग गए हैं, आने वाले समय में इस निकम्मी सरकार को अपमान का जवाब जरूर देंगे। धरना कार्यक्रम को विजय मेलगांडी, भाजपा के जिला मंत्री सन्नी पासवान, रामानुज शर्मा, हेमंत केसरी, दीपू गुप्ता और आलोक झा ने भी संबोधित किया। चाईबासा शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से उत्पाद दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। दुकानदारों ने अपनी परेशानी को चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा के साथ साझा किया और परेशानी दूर करने का आग्रह किया। विधायक दीपक बिरुवा ने फुटपाथ दुकानदारों की समस्या सुनने के बाद समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन से बात की जाएगी। दुकानदारों ने विधायक को बताया कि नगर परिषद द्वारा फुटपाथ दुकानदारों को 10,000 का ऋण दबाव देकर दिलाया गया, अब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है। रोजमर्रा की दुकानदारी ठप्प हो गई है, ऐसे में फुटपाथ दुकानदार ऋण का किस्त चुकाने में भी असमर्थ हैं, वहीं परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। विधायक ने सभी को विश्वास दिलाया कि फुटपाथ दुकानदारों की समस्या जल्द ही दूर होगी। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा की पहल पर राज्य सरकार द्वारा चाईबासा में न्याय पंच का गठन किया गया है। अब इसे इसकी शक्तियां प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहल शुरू की गई है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज न्याय पंचायत संचालन को लेकर एक बैठक की, जिसमें ADC, तीनों SDO, कुल्हान अधीक्षक और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा आए थे, उस समय इस मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। विल्किंसन रूल के तहत न्याय पंच कोशी शक्ति देने के संबंध में सरकार पहल करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए विधायक द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा गया है। न्याय पंच को सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार का कानून बनाना है और इसके तहत की सुचारू को अंतर्निहित करना है, इन सारी चीजों पर चर्चा जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि अभी वर्तमान में ट्रायल के रूप में विल्किंसन रूल के तहत 2 मुकदमा न्याय पंच को हस्तांतरित किया जाएगा। ट्रायल सूट या संपत्ति बंटवारा से संबंधित मामला न्याय में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए लंबित वादों का अवलोकन भी किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि न्याय पंच का गठन प्रतिनियुक्त पेशकार का दायित्व और जूरी के सदस्यों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर न्याय पंचायत क्रियान्वयन के उपरांत जानकारी में आने वाली समस्याओं और सुझाव से संबंधित प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इससे संबंधित प्रभावशाली प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाए। जो फरवरी माह में इस जिला में आए थे, तो उनके द्वारा भी इस बात पे ज़्यादा फोकस था कि कोल्हान विल्किंसन रूल्स के तहत न्याय पंच को पूरी शक्ति देने के संबंध में सरकार कार्रवाई करेगी। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए स्थानीय विधायक महोदय के द्वारा भी एक पत्र आयुक्त महोदय को दिया गया है, जिसमें ये बात उल्लेख था कि न्याय पंच को सशक्त बनाने के लिए किस तरह का कानून बनाना है, किस तरह का रूल्स इसमें फ्रेम करना है, इस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए एक अच्छा फोरम हम लोग तैयार करें। तो उस बिंदु
पे ही फोकस करते हुए आज जो नए कोल्हान अधीक्षक जो अनुमंडल पदाधिकारी अभी चार्ज में हैं उनके साथ साथ जिला के एडीसी और कुछ न्याय न्यायिक कुछ हमारे वकील हैं जो सीनियर रूप में जाने जाते हैं उन लोगों से भी कुछ ओपिनियन लिया गया है। अभी एग्जिस्टिंग विल्किन रूल्स के तहत दो ऐसे मुकदमा हम लोग अभी निर्णय लिए हैं कि न्यायपंच को ऑन ए ट्रायल बेसिस हम लोग रेफर करने वाले हैं। और जिस तरह मानकी मुंडा का आकांक्षा रहा इस जिला में कि न्यायपंच पूर्व की तरह यहाँ संचालित हो और कभी 30-40 साल के पूर्व कभी व्यवस्था होती थी, तो अभी जो भी दीवान वाद जो 5,000 जो मैक्सिमम सीमा है उसके अंदर यदि कोई टाइटल सूट या कोई ऐसा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर रहता है तो उसको रेफर करने के लिए हम लोग निर्णय लिए। अभी एक डिटेल्ड केस वाइज हम लोग अभी डिमार्केशन करेंगे किस साल से पेंडिंग है, किस तरह का केस का नेचर है। वंस आइडेंटिफाई होने के बाद एक या दो केस जैसे आएंगे हम लोग के सामने उसको हम लोग लीगल वे में रेफर करेंगे न्यायपंच को। उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य कर चुके कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति गंगाधर पंडा के खिलाफ भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन ने उपायुक्त के माध्यम से झारखंड की राज्यपाल और कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव सहित 19 लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की विशेष अनुसंधान टीम ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। नियमतः कोई भी सरकारी अधिकारी जब भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामले में जांच के दायरे में आता है तो उसे तुरंत पदमुक्त कर दिया जाना चाहिए जब तक न्यायालय उस व्यक्ति को दोषमुक्त नहीं कर देता। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई निजी महाविद्यालय आज कुलपति के हट के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन का कहना है कि इस विषय पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि कोल्हान विश्वविद्यालय में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की तरह कोई घटना ना हो। कोल्हान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति गंगाधर पंडा जो इससे पहले उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कार्यरत थे उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के SIT के द्वारा जाँच में उन्हें भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया है। हमने आज चाईबासा उपायुक्त के माध्यम से राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं उन्हें एक मानपत्र सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है जिसके माध्यम से उनसे यह मांग किया है कि जब तक इनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे आरोप से दोषमुक्त नहीं हो जाते तब तक इन्हें इनके पद से मुक्त करवा किया जाए और इन्हें आदेश दिया जाए कि निर्देश दिया जाए कि ये न्यायालय से अपने आप को दोषमुक्त साबित करे उसके बाद वापस अपना पदभार ग्रहण करे। इसी के लिए वाईफोन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में 21 मार्च को बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में वेटरन कप क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूर्व क्रिकेटर हिस्सा लेंगे। मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा। प्रत्येक पारी 20-20 ओवर की खेली जाएगी। मैच का उद्घाटन जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय मुंडा करेंगे। विजेता और उपविजेता टीम को प्रशिक्षु IAS जावेद हुसैन द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन में शुक्रवार के सुबह एक हादसा होते होते टल गया। एक महिला और एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ गए। हालांकि मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर महिला और व्यक्ति की जान बचाई। इस घटना में महिला और व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। बर्मा माइंस की रहने वाली अंशु कुमारी अपने परिजनों को छोड़ने टाटा नगर स्टेशन पर आई थी। ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। अंशु अपने परिजनों के साथ ट्रेन में बैठी थी। अचानक ट्रेन खुल गई। अंशु दौड़कर दरवाजे के पास गई और ट्रेन से उतरने का प्रयास किया। इधर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वह ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा। दोनों आपस में टकरा गए और ट्रेन के नीचे चले गए। इधर दोनों के ट्रेन के नीचे घुसता देख प्लेटफॉर्म में खड़ी RPF महिला कांस्टेबल सुपर्णा मंडल दौड़ी और महिला को निकालने का प्रयास किया। महिला को देख बोगी में मौजूद महिला स्कॉट की सिमरन यादव भी ट्रेन से कूद पड़ी।
वह प्लेटफॉर्म पर गिर गई। किसी तरह वह उठी और महिला को ट्रैक से बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी रुक गई। इस घटना से अंशु को हल्की चोटें आई हैं। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही राहजनी गैंग के कहर के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जमशेदपुर पुलिस ने छिनतई गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद साक्षी और गुलमुरी थाना क्षेत्र में बीते दिनों महिलाओं से हुई छिनतई मामले का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनियों के 4 मोबाइल और 1 पर्स बरामद किया गया है। जमशेदपुर पुलिस का दावा है कि गिरफ्त में आए अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में आए स्नैचरों का नाम मोहम्मद अमन और मोहम्मद शाहिद अंसारी बताया जा रहा है। दोनों सरायकेला जिला के कपाली ओपी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी मामलों से भी ये कपाली के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि इन्होंने जो लूट की घटनाएं पारित की थी उसमें से 3 का घटनाओं का कांडों का उद्भेदन हुआ। 1 साक्षी का लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने और 2 गोलमुरी की घटनाएं हैं, 1 केरला समाजी स्कूल के पास और 1 प्रिंसिपल स्कूल के पास। इन घटनाओं में जो इनके द्वारा मोबाइल को लूटा गया था उन सभी को इनकी निशानदेही पर और एक लूटा हुआ पर्स हैंड पर्स भी बरामद किया गया है। इस घटना में जो इन्होंने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उससे भी बरामद किया गया है। तो छिनतई करने काम करता था ये लोग? ये छिनतई, ये लूट छिनतई करते थे। घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। इनकी बाइक से जाते थे और जो राहगीर या जो गाड़ी से जा रहे हैं लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनका मोबाइल छीन करके ये भाग जाते थे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।